नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं किला जो कि धमधा गांव में पड़ता है। यहाँ पे ये दोस्तों हजारों साल पहले का है, जब यहाँ पे राजा महाराजा का राज हुआ करता था, तब का उनका किला यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। आपको किले का दर्शन मैं पूरा कराऊंगा। ये दोस्तों ये दीवार है जो आज भी जैसा का तैसा बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो किले का दीवार है। ये चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ, तालाब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों एक किला सामने, ये है किला सबसे पुराने जमाने का। और ये आप जो सामने देख रहे हैं तो यहीं पे जो सभा होता था, जैसे कि जनता लोग जो आते थे और राजा को सभा लेना होता था तो यहीं से वो जो है आते थे और यहीं से संबोधन करते थे, और जो भी जनता को अपना बताना चाहते थे, जनता का जो भी सुनते वो यहीं से करते थे। देखो इसको सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है। और दोस्तों ये चीज़ बहुत मानने लायक है। आप देख रहे हो सामने जो पत्थर है, कितना ही बढ़िया इसको बनाया गया और हजारों सालों से दोस्तों देखो अभी तक भी नहीं टूटा ये पत्थर, और जैसा का तैसा आज भी ये टिका हुआ है। बहुत ही अद्भुत है दोस्तों ये किला, जिसमें देख सकते हो आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी ये टिका हुआ है। अब पता नहीं इसको कौन से मटेरियल से बनाया गया है। अब किले को मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, यहाँ से फ्रंट साइड से किला, ये देखो दोस्तों फ्रंट से ऐसा दिखता है। दोस्तों ये तो बोलते थे करके जितना मंजिल ये ऊपर है उतना ही मंजिल इसके नीचे भी है, और यहाँ पे खजाने का कक्ष भी है जहाँ पे दोस्तों अब इसे बंद कर दिया है, नहीं तो मैं आपको पूरा अंदर जाके दिखाता। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ यहाँ से ना। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। यहाँ पे ये है दोस्तों, इधर पहुँच चुके हैं भाई किले के अंदर द्वार पे। यहाँ पे चलो, यहाँ पे रास्ते से क्या पता ही जाता होगा। चलो अंदर चलते हैं, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको एक किला किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ का सीढ़ी, चलो भाई चलते हैं सीढ़ी से ऊपर। तो सब क्या हुआ, बहुत ही पुराना हो चुका ना यहाँ पे, तो बहुत सारा टूट फाट भी गया है यहाँ पे। ये चीज ये भी आ चुके हम लोग अंदर। तो ये ऐसा नज़ारा है, यहाँ से आप देख लो आगे किले का, लेकिन पहले से सेफ है बहुत, अभी भी ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ किले को। दोस्तों इस हॉल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बोलते थे कि यहाँ पे इस जगह पे सिपाही खड़ा हुआ करता था और यहीं से वो हॉल के जरिए दोस्तों निगरानी करता था। जैसे हमारे पास अभी आधुनिक युग में कैमरा है, बैनाकुलर, इसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों सिपाहियों का यहाँ पे ये हुआ करता था। लेकिन किस शेप में है दोस्तों, यहाँ से आप अंदर से बाहर तो देख सकते हो, लेकिन बाहर से ये होल आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नज़र, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों देख सकते हो ये दीवार में जो है ये तिरछा बना हुआ है, ये तिरछा। देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये दीवार के सीधे सीधे सिद्ध में नहीं है, ये दीवार से हमेशा तिरछा बनाया जाता है इस छेद को। देखो तो यहाँ पे पुराने बुजुर्ग से मैं पता किया तो वो बताते हैं कि इसको निगरानी के लिए रखा गया है, जिसको आप जैसे कि आप देखोगे ना आगे से देखोगे, जैसे बाहर से कोई दुश्मन इसको देखेगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ से कोई सिपाही उसको देख रहा है। देखिए दोस्तों, अब ऐसा ही हॉल मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ऊपर में कई तरह के यहाँ बने हुए यहाँ पे ना, देख लो यहाँ पे दोस्तों। मुझको ये लगता है कि यहाँ पे जैसे कि कोई जैसे कि यहाँ पे खड़ा हुआ करता था तो कोई छोटे कद का जैसे सिपाही यहाँ पे रहता था, और ये जो खड़ा हुआ दोस्तों, मेरा हाइट है अभी लगभग 6 फीट, तो यहाँ पे जो होल बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हो लगभग 7 फीट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई लंबा सिपाही जो है यहाँ से निगरानी के लिए खड़ा हुआ करता था, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी एक जगह होल बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए
तिरछा यहाँ पे ये है, ये निगरानी के लिए। और इस चीज को मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि आपको होल नजर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया करके जो सिपाही जो है यहाँ से देखा करते थे, तो आपको वो होल कहीं पे नजर आ रहा है, आप लोग देखो गौर से। और दोस्तों क्या ये होल अगर दूर से देखा जाएगा तो क्या नजर आएगा? ये नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए, ये सामने जो आपको होल नजर आ रहा है ये देखिए, ये कोई अगर बाहर से अगर देखेगा दूर से तो उसको ये नजर आएगा कि यहाँ पे पूरा दीवाल है, यहाँ पे बंद है। लेकिन इसको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये तिरछा यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप तिरछा इधर से आके ऐसे देख रहे हो तो ये होल आपको नजर आ रहा है, देखिए ये। लेकिन दोस्तों ये जो है अगर दूर से देखोगे आप तो ये पूरा छुप जाता है, या कुछ भी चीज़ ये नज़र नहीं आता होल आपको। यहाँ से जो अंदर का जो है बंदा वो आपको आसानी से देख सकता है, लेकिन आप इस होल को नहीं देख सकते कि आपको कोई देख रहा है। और दोस्तों ये सामने आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ नज़ारा, यहाँ पे जो सामने जो है इसके जस्ट जो ये पेड़ है हमारे बरगद का, बरगद के पेड़ के पीछे जस्ट तालाब है। और तालाब दोस्तों ये जो है ये तालाब यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ पे इधर पूरा पूरा दोस्तों ये तीनों ओर से ये पूरा जो तालाब से यहाँ तक पूरा जो है घिरा हुआ है। और दोस्तों ये सामने का जो हिस्सा दिख रहा है यही बस हिस्सा सामने खुला हुआ है। तो दोस्तों इसको जो किला जो ये बनाया जाता है इसको इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि अगर तीन ओर जो पानी भरा हुआ है तो कोई भी सिपाही अगर जैसे कि यहाँ से कोई भी अगर अटैक करेगा इधर से कोई भी अगर दुश्मन का अटैक आता है तो यहाँ पे पानी के द्वारा वो धीमे पड़ जाएंगे, उसको आसानी से यहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो किले के जो रहेंगे सिपाही भारी पड़ जाएंगे, इसलिए इसको तीनों ओर से घेर के बनाया जाता है ताकि ऐसे दुश्मन अटैक भी करे तो कमज़ोर पड़ जाए और यहाँ पे उसको आसानी से मार दिया जाए। उसके बाद दोस्तों जो सामने यहाँ पे जो बना हुआ यहाँ से तो सामने का अटैक तो आराम से रोक ही लेंगे। तो इस तरह से किले को बनाया गया है। और भी दोस्तों इस चीज़ के बारे में जानना है किले के बारे में तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको इसके बारे में और बहुत ही अच्छे से जानकारी दूंगा।